साथियों, जय भीम नवोदय, जय समाजवाद। बहुत लेट हो चुका है, बिना सूचना के मैं लाइव हूँ, गुस्से में हूँ, राम राज्य की चर्चा करने के लिए हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र के मौर्य कुशवाहा शाक सैनी समाज के लोगों सहित पूरा पिछड़ा समाज मेरा ये वीडियो देखे। अचानक मऊ जिले में घटना घटती है और राम राज्य स्थापित होता है, और इस राम राज्य की स्थापना की सूचना देने के लिए मैं लाइव हूं, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसको शेयर करें, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी तक ये बात जानी चाहिए। मेरे लाइव आते ही 53 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि शेयर करें। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मऊ, मऊ में एक विधानसभा है मधुबन। मधुबन विधानसभा में अभी कुछ घंटे पहले अप्पू मौर्य को हाकी से सर पे मारा गया है। अप्पू मौर्य कोमा में चले गए हैं, उनका इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद रेफर कर दिया गया उनको जिला अस्पताल में, और जिला अस्पताल में के लिए वो लोग निकल चुके हैं। कहाँ इलाज कराते हैं, कहाँ नहीं इलाज कराते हैं, ये सेकेंडरी इशू है। 110 लोग देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें। और अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी सो रहे होंगे, 10 बज गया है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी सो रहे होंगे, 10 बज के ऊपर हो रहा है। मैं भी लेट गया था, अचानक मुझे मैसेज आया कि घटना हुई, तो मैं उठ करके अभी वो स्लीपिंग मोड वाले कपड़े, जनरली मैं इस कपड़े में लाइव नहीं होता, लेकिन मैं ऐसे हूँ क्योंकि दिखावे के लिए कुछ नहीं करना था, कपड़े नहीं बदलने थे, जो सच बोलना है उस सच बोलने के लिए मैं लाइव हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें। साथियों, अप्पू मौर्य रोज की तरह घर के बाहर निकलते हैं, अचानक उनको मधुबन में ही सर पर हाकी से हमला होता है और वहीं गिर जाते हैं और अप्पू मौर्य कोमा में चले जाते हैं। उनके परिवार को सूचना मिलती है, पूरा परिवार इलाज के लिए दौड़ता है और उनको ले जाता है अस्पताल में। अप्पू मौर्य अपने जान, अब उनकी जान बचेगी कि या नहीं, वो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। मेरा सवाल माननीय योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य जी से, माननीय केशव जी, मैंने हमेशा आपसे कहा था जब भी मौर्य समाज पे हमला होगा मेरा सवाल आपसे होगा, अगर सरकार का सवाल होगा तो मैं योगी जी से करूंगा, और योगी जी आरोप आप समझिए किसके ऊपर है, और केशव जी आप भी समझिए, बहुत भाजपा करते हैं आप, भाजपा के एक नेता पे आरोप है। पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी प्रदेश के लोगों सुनिए, एक मौर्य पर, अप्पू मौर्य पर जानलेवा हमला हुआ है, और इस हमले में भाजपा के एक नेता का नाम आ रहा है, और इसकी पूरी लीपापोती होगी मऊ प्रशासन द्वारा, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं। क्या पिछड़ा समाज के लोगों, सभी ओबीसी एससी एसटी के लोग, मैं एक विचारधारा के लोगों में विश्वास नहीं करता हूं, वो देंगे भाजपा को किसी भी कीमत पे वोट देंगे, चाहे आग लग जाए इस प्रदेश में। मेरा सवाल यह है, योगी जी आप कहते हैं कि अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश के बाहर है, ये जिन लोगों ने हाकी से हमला किया है, जान लेने की कोशिश की है, वो प्रदेश में है या जेल में है या देश के बाहर है? आपके पार्टी के नेता पर आरोप लगा है जानलेवा, छोट भैया नेता कोई है, दो कौड़ी का होगा उम्मीद कर रहा हूं, उस छोट भैया नेता ने, भारतीय जनता पार्टी के छोट भैया नेता के ऊपर आरोप लगा है कि अप्पू मौर्य के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। पूरे मौर्य समाज के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, ये देखें कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है। सवाल कोई नहीं करना चाहता है, सवाल करने की जिम्मेदारी अगर मेरी है तो मैं सवाल करूंगा, और मैं देखना चाहता हूं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, और आपको भी पता है कि आपके साथ जो संघर्षों के समय थे, आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, निश्चित रूप से आप सत्ता का लाभ रहे हैं, बहुत लाभ ले रहे हैं, आपका सौभाग्य है, आपके पीछे का इन्हीं हरकतों की वजह से, आपके पीछे आपके साथ जो खड़ी स्वजातियों की भीड़ थी वो हट चुकी है, पता कर लीजिए, जब भी आप आते हैं तो आपके पास 10-5 स्वजातियों के अलावा कोई नहीं मिलता है, सच यही है, और वो भी हटने वाले हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ जाने वाले हैं, बस सरकार में हैं आप, इसलिए आपके साथ हैं। अगर आप में न्याय की क्षमता हो, केशव जी कल गिरफ्तारी आप तय कराइए, मैं जान लेता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों, समस्त ओबीसी एससी एसटी के लोगों, मौर्य समाज के लोगों, ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में समाज के व्यक्ति के ऊपर, मौर्य समाज के व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, रामराज्य चल रहा है। पूरी भाजपा जब बताना चाहे क्या यही रामराज्य है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता, छोट भैया के नेता के ऊपर इस जानलेवा हमले की का आरोप लगा है उनके परिवार द्वारा, देखते हैं न्याय कैसे होता है, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता देखे। मैं
चूंकि लेट चुका था, मैं सोने जा रहा था, लेकिन चूंकि मामला कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए बोलना पड़ा। आप लोगों से अनुरोध है कि इसको शेयर करें और देखिए कैसा उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय समाजवाद, जय संविधान।